वो दीदी कहीं की सारा सबर तो कर लो, उन्होंने कौन सा सारा खा जाना है? सारे खा गई तो उफ, जब जाएंगे तो फिर खा लेना सारा। अरे बेटा हो गया सब कुछ? जी अभी हो गया सब। बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा है, बस अब जरा सिमी को लेकर आ जाओ। और नाजिया तुम आना सिमी के साथ। अच्छा मैं भी आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ट्रॉली सिमी लेकर अंदर आएगी। हाँ वरना वो समझेंगे कि तुम सिमी हो। वो सिमी है कहाँ? अंदर बाल सुखा रही है, मैं उसको लेके आती हूँ। अच्छा आशी कतई झांकने वांकने की जरूरत नहीं है। हाँ और तुम जो हो ना जल्दी से चाय वाय डाल कर बस फौरन वापस आ जाना, चिपक कर मत बैठ जाना तुम। हाँ अम्मी आपको तो पता है ये थोड़ी वापस आएगी जल्दी, पूरा इंटरव्यू शुरू कर देगी। मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। मुझे अंदर आने देना। वो तुमसे छोटी है लेकिन अकल में तुमसे ज्यादा है, समझी? जाओ अब लेकर आओ सिमी को जल्दी से। बहन ये बताएं सिमी के वालिद के इंतकाल को कितना अर्सा गुजरा है? 6 साल हो गए। आपका कोई बेटा नहीं? नहीं बेटा कोई नहीं है मेरा, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। और सिमी तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे बहादुर बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकबर साहब के इंतकाल के बाद सब कुछ सिमी ने ही संभाला, मुझे तो 2-1 साल कोई होश ही नहीं रहा। ये सिमी है और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है नाजिया। नाजिया बेटे आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर। माशाल्लाह सिमी तो बहुत ही घबरा रही है, क्या बात है बेटा? आप चाय पियेंगे? अरे बेटा ये काम नाजिया को करे दो, आप मेरे पास आकर बैठे। आओ इधर आओ, इधर आओ बेटा मेरे पास। कैसी हो बेटा? ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक मिनट हॉल की जगह बुलाती हूँ। अम्मी। हाँ अम्मी नसरीन आंटी का फोन है, जल्दी आए। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मिलने के बाद मैंने सोचा जल्दी से आपसे बात कर लूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने जिस तरह अपने बच्चियों की तरबियत की है वो काबिल एहतराम है। जब इतनी तवज्जो दी जाएगी बच्चों के ऊपर तो बच्चे क्यों नहीं अच्छे और फर्माबरदार निकलेंगे। मैं चाहती हूँ कि मंगने की तारीख पक्की की जाए, इसलिए मैं आना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर आइए, आपका अपना घर है। लेकिन अभी हम लोग सलमान मियाँ से नहीं मिले। यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं सलमान को अपने साथ लेती हूँ। आप बिल्कुल उनको लेकर आइए भाई, बल्कि कल रात का खाना हमारे साथ खाइए। नहीं नहीं बहन आप खाने की तकलीफ ना करें, मैं शाम की चाय पर आ जाऊंगी। अच्छा चलें जैसे आप मुनासिब समझें। जी 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 अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा। बात पक्की हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी में अभी 5 साल और बाकी है। मुबारक हो आपी। अभी हुई नहीं है। अच्छा कम से कम 3 जोड़े बनेंगे, एक शादी का, माइयों का और मेहंदी का। वलीमे पर पुराने पहनोगी, कितने अच्छे हो तुम आशी। ओहो वो तो मैं भूल ही गई, चलो 4 जोड़े बनेंगे। 4 जूते नहीं पड़ेंगे? ईद और बकरीद वाले तुम दोनों मेहंदी और माइयों पे पहनोगी, सिर्फ शादी और वलीमे के लिए बनेंगे और वो भी 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। आप ही शुक्र है आपकी शादी हो रही है, इस कंजूसी के जाबराना माहौल से जान तो छुटेगी। अम्मी से कहती हूँ अब सलमान भाई को क्या देखना वेखना, आंखें बंद करके यहाँ कर दें। वैसे आप ही 1,000 में 2 सूट कैसे बनेंगे? 600 का तो कपड़ा ही आएगा, 300 सिलाई जाएगी, 50 रुपये में आने जाने का खर्चा और बाकी बचे 50 रुपये, उसमें क्या काम करवाएंगे हम? क्या धोएंगे क्या निचोड़ेंगे? धो भी खुद और निचोड़ो भी खुद, कपड़ा खरीदो और खुद ही काम करो। अच्छा और सीओ भी खुद,
गारमेंट फैक्ट्री में काम करते करते समझने लगी हैं कि दुनिया की सारी औरतें कपड़े सी सकती हैं। ए अल्लाह, इस औरत को अकले सलीम अता फरमा। ओ, आ गए। आ गए। चलो चलो चलो। छुप छुप के देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी अंदर बुला लूंगी, वरना फिर उसे इधर भेज दूंगी। बन रहे हैं, महंगे हैं नहीं। ये तो कोई भी आंखें महंगी करके नहीं बैठ सकता। काला चश्मे लगा कर आ जाते, अम्मी ने अभी तक शायद इनको गौर से देखा नहीं है। अभी ये 2 साल के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मैं चाह रही हूँ उसके जाने से पहले मैं मंगनी कर दूँ, और जब लौट के आए तो मैं फिर शादी कर दूँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो आप आइए मेरे साथ, मैं जरा आपको घर अंदर से दिखाती हूँ। अकबर साहब ने बहुत शौक से खुद खड़े होकर बनवाया। अच्छा अच्छा, चलिए देखें। आप दोनों में से सीमी कौन है, ये वाली या ये वाली? आप सचमुच ही ऐसे? क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा क्या? अल्लाह ताला ने बनाते हुए हाथ बड़ा खुला रखा था, मगर मैंने भी कभी गरूर नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, इस हुस्न जमाल में अगर आप मगरूर भी होते ना, तो लड़कियां धड़ाधड़ खुदकुशियां करती। लगता है कि आप भी घायल हो गई हैं मेरी नजरों से। हाय, मैं भी मर ही गया हूँ। अल्लाह करे कि आप ही सीमी हो। अल्लाह ना करे। ओ सॉरी। ये किस तरफ देख रहे हैं आप? आप ही की तरफ देख रहा हूँ। अगर आप सीमी नहीं है तो फिर आप होंगी। लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही घायल हो गई हैं। हौसला रखें, हौसला रखें। आप तो ना एक काम क्यों नहीं करती कि टॉस कर लीजिए। आप क्या हुआ जी, आपने कभी आदमी नहीं देखा क्या? ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रहने दीजिए, रहने दीजिए। इन लोगों ने पहले कभी आदमी नहीं देखा ना? बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। जरा नवाजी आपकी, वरना बंदा किस लायक है। चले मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम सलमान है और मैं बैंक मैनेजर हूँ। आप सिमी हैं, और आप दोनों? ये मुमकिन और मैं नक्की। यानी उस वक्त से दरिया जब हिसाब किताब होगा। हाय अल्लाह खैर करे भाई, अभी तो मंगनी भी नहीं हुई है। इतनी दूर की मत सोचिए, जरा अपनी अम्मी को आने दीजिए। अच्छा तो आप दोनों चुगलखोर भी हैं, इसका मतलब? जी नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, मुमकिन नकीर का यही काम है। अच्छा तो मैं कुछ कोई बात नहीं सलमान भाई, गलतियां तो सही हो जाती हैं अगर इंसान में विल पावर हो, है ना नाजिया? हाँ आशी, गलतियां तो सही हो जाती हैं। कभी कभार तंबाकू वाला पान खा लेना या सिगरेट पीने वाला कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो जो आपके दोस्त है ना बैंक में, क्या नाम बताया था आपने उस लड़की का? मैंने तो नाजिया, ये इनकी अम्मी के सामने बातें करने वाली थोड़ी। क्या किया सलमान ने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना नाजिया? हाँ आशी, बिल्कुल चुप बैठे रहे आंखें झुका के। चलो आशी चाय बना। अभी मैंने तो कुछ भी नहीं किया अल्लाह की कसम। मैं तो बिल्कुल फिक्र ना करें, ये जरूर इन दोनों की कोई शरारत है। सिमी जाओ जाकर जरा देखो। जी। आप क्यों परेशान हो रही हैं, बहुत शरीफ हैं ये दोनों। आइए बैठो बेटा, आइए बैठिए बहन। Ha ha ha.
मुझे हंसते मुस्कुराते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। पहले बाहर ना जाने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं घर वालों से दूर नहीं रह सकता था, लेकिन अब एक वजह और भी है। दो सालों की तो बात है, फिर ऐसे मौके बार बार तो नहीं मिलते ना। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं चला गया तो? वैसे भी मेरी जॉब से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। सुबह जाती हूँ, शाम 7 बजे वापस आती हूँ। वक्त गुजरते हुए पता ही नहीं चलता, लेकिन अब शायद पता चले। तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे वहाँ कोई और पसंद आ गई तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है। क्यों? अगर आपने ऐसा करना होता तो हम अंगनी क्यों करते? ये बात भी है। इसका मतलब है कि मैं जाऊं। जी, अपना ख्याल रखोगी? आप बस फोन करते रहिएगा और ईमेल भेजते रहिएगा। हाँ, लेकिन सुनो, शादी के बाद मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। लेकिन फिर मेरे घर वालों को क्या होगा? मैं हूं ना भाई, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? देखेंगे। अम्मी, आप ही की शादी हो जाना तो खुशी की बात है ना? हाँ। तो फिर आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? चुप चुप नहीं हूँ, कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? कोई खास बात नहीं। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? बस अम्मी, आप ये सोच रही हैं कि आप ही की शादी के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है। मामा, आप ही की शादी में अभी 2 साल है ना, जब तक आशी कुछ कोशिश कर चुकी होगी और फिर जब तक आशी की शादी होगी मैं भी पढ़ चुकी हूँ, फिर मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, कभी शादी नहीं करूँगी। चल पगली कहीं की। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, जब मैं इंडस वैली से पढ़ के निकलूँगी ना, देखिएगा घर का नक्शा ही बदल डालूँगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अम्मी, आप ही की शादी के लिए तो पैसे हैं ना आपके पास? वैसे भी सलमान भाई ने कहा है कि उनको जहेज वहेज की ज़रूरत नहीं है, और उनकी अम्मी ने भी एक। ये तो हमारी खुशकस्मती है कि हमें बहुत अच्छे लोग मिल गए, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा ना। खैर इतने पैसे तो हैं मेरे पास, कुछ जेवर वगैरह भी रखे हुए हैं। सीमी की शादी तो इत्मीनान से हो जाएगी। तो फिर परेशानी किस बात की, आराम से सो जाइए। आशी फोन उठाओ। हाँ हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। हेलो, शर्मा भाई पहुँच गए आप? सर्दी हो रही है ना, एक मिनट की जगह। सीमी, सीमी फोन है, फोन है, फोन है। किसका? सलमान भाई का। बस ऑफिस जा रही थी। हाँ, शिपमेंट होनी है ना, तो काम में बहुत सारी चीजें चेक करनी है। जी जी बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान, मुझे देर हो रही है? हाँ जी। नहीं, वो बस अगर फैक्ट्री की बस निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ मैं आपको बाद में ईमेल कर दूंगी। ओके, हाँ ऑफिस पहुँचे साथ। खुदा हाफिज। Thank you.
प्लीज हौसला रखें, शी इज अ बिट बेटर नाउ, शी इज आउट ऑफ डेंजर। आपकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सीमी कैसी है? शी इज अ बिट बेटर, प्लीज। आप सबसे छोटी हो फैमिली में जी। और सबसे बहादुर भी। पता, मुझे पता है। और अगर नहीं भी हो तो फिर आपको बहादुर बनना पड़ेगा। कोई बहुत बुरी खबर सुनाने वाले हैं? बैठे, अल्लाह ने इनकी जान बचा ली और शुक्र है इनके सर पे कोई इंजरी नहीं आई। मगर इनकी स्पाइनल कॉर्ड काफी डैमेज हुई है। ठीक तो हो जाएगी ना? आप जानती हो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? बैकबोन जी। ना जी, इसमें एक चीज होती है कार्टिलेज जो नर्व्स को सपोर्ट करती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो नर्व्स भी डैमेज हो जाती है। तो क्या सर्जरी करनी होगी? काफी मुश्किल है। मुश्किल और नामुमकिन? नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं कि सर्जरी के बाद कोई फर्क पड़ेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब उनकी टांगे। She won't be able to walk anymore. फिजियोथेरेपी और विल पावर, इन दो चीज़ों के अलावा हमें और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। हम इन्हें एक हफ्ता और हॉस्पिटल में रखेंगे, हर इम्कान पर गौर करेंगे और साथ ही साथ इन्हें इस बुरे खबर के लिए तैयार भी करेंगे। आप अपनी वालदा को खुद बताना चाहेंगी या मैं उनको बता दूं? मम्मी में इतनी हिम्मत नहीं है, खास तौर पे इस वक्त। डॉक्टर साहब, सर्जरी पे कितना खर्चा आएगा? 1.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख। देखो डॉक्टर्स क्या कहते हैं। वो जो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बेटा प्लीज आप मुझे घर ले जाए। लाइट्स ऑफ कर दो, मेरी आंखों में चुभती है। और भी करते हैं। नहीं सोऊंगी मैं उस कमरे में, आपके साथ सोऊंगी मैं। अच्छा बाबा, सो जाना मेरे साथ, ना सोना उस कमरे में। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, तुम और फसाद मत मचाओ। पर जरा देखो ये बिल्स कुल जमा करके कितने हो रहे हैं। 40,000 तो ये अस्पताल के हैं, ये 16,000 वाला किस चीज का है? मुझे नहीं पता। आप दोनों की सारी आवाजें अंदर आ रही थी। क्या करूं बेटा, लाख कोशिश करती हूं लेकिन आवाज निकल ही जाती है। दिल और दिमाग में कयामत से मची हुई है। हादसा तो गुजर गया, आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा? अम्मी ऐसी बातें करेंगी तो वक्त और भी भारी हो जाएगा। ना गुजारे गुजरेगा ना ही धकेला जाएगा। वक्त तो ठहर गया है नाजिया, अपाहज हो गया है वक्त और अपने साथ हम सबको भी अपाहज कर गया है। इलाही खैर। आपी, आपी क्या कर रही हो? मैं बनना चाहती हूँ।
कर रही हो? कॉलेज नहीं गई? वैकेंसीज देख रही हूँ। पागल कहीं की, तैयार हो और कॉलेज जाओ। अम्मा क्या फायदा, इससे अच्छा कहीं नौकरी की जाए और पैसा कमाया जाए। पर इंडस वैली कौन जाएगा और हमारे घर का नक्शा कौन बदलेगा? वो तो बदल गया हम, ना सिर्फ हमारे घर का नक्शा बल्कि हमारे मुस्तकबिल का नक्शा भी बदल गया। अच्छा तुम अपनी तालीम पूरी करो और ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या करेंगी आप? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करूंगी बेटा। आप सिर्फ सीमी को संभालें, जो भी करना होगा मैं कर लूंगी। वैसे भी पहली तारीख सर पे आने वाली है, सारे बिल्स पहुंच जाएंगे। वैसे भी फिजियोथेरेपिस्ट कल से आना शुरू कर देगी। अल्लाह करे मुझे फौरन नौकरी मिल जाए। बहन, मैं ये बात फोन पर नहीं करना चाहती थी, हालांकि सामने ये बात करना बहुत मुश्किल लग रही है। क्या करूं, कभी कभी औलाद ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सीमी और आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर आप चाहें तो आशी। ये मुमकिन नहीं है। आप चाय पियेंगी? नहीं शुक्रिया बहन, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे हालात इतने बुरे नहीं जितने मैंने और बहुत से देखे हैं। मैंने बिल्कुल मुड़े तोड़े हाथ पैर भी देखे हैं और पूरे पूरे मफलूज जिस्म भी। और मैंने इनमें से ऐसे शख्स को भी देखा है सीमी, जिसके बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि चलना फिरना तो दूर की बात, ये उंगलियां भी नहीं हिला सकेगा। आंखें फेरने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी मुकाबला करने से। खुद पर तर्स खाना बंद करो और तमाम तर तवज्जे को सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज करो सीमी, के तुमको इंडिपेंडेंट होना है। ऐसा कैसे हो सकता है? शक की कोई गुंजाइश नहीं, सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तरीके मैं बताऊंगी तुम्हें, मंजूर है? कॉन्फिडेंस के साथ आ जाओ। और कोई बुरी खबर नहीं सुन सकती मम्मी। हो सकता है किसी दोस्त के घर चली गई हो। बेटा आज तक ऐसा हुआ है कि तुम लोग कभी बाहर रहे हो मुझे बताए बगैर, फोन तक ना किया हो? मम्मी आती होगी, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। सॉरी मम्मी, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको फोन कर सकती। बेटा तुम थी कहाँ? जॉब ढूंढ रही थी। ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर। एक स्कूल में मुझे प्रिंसिपल की सेक्रेटरी की जॉब मिल गई है। क्या तुम उससे नाराज हो? मैं नाराज तो नहीं हूँ। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती?
मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? इस कमरे में क्यों नहीं सोती जहां तुम हमेशा सोती थी? कुछ तो बोलो प्लीज आशी, मेरी तरफ देखो। मुझे नहीं देखा जाता यहाँ पे। कब तक नहीं देखोगी? अब तो ये सारी उम्र देखना पड़ेगा। आंखें चुराने से हकीकत बदल तो नहीं जाती आशी। प्लीज मेरे पास आओ प्लीज। तुम क्या समझती हो कि ये मेरा कसूर है कि सब कुछ मैंने जानबूझ के किया? क्या मैं इस बिस्तर में इस तरह अकेली पड़ी रहूं, तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाती रहूं? मेरा बस चलता ना आशी, तुम्हें अपनी इस तबाही के बदले तुम सारों की सलामती और खुशियां खरीद लेती। कसम से आशी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी करो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता है आपी, अगर तुम मुझसे कहती थी कि तुम आराम करना चाहती हो, मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लूं, तो मैं खुशी खुशी ऐसा कर लेती। तुम जो भी कहती मैं कर लेती आपी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं हो, तुमसे तो वो रिश्ता है जो कि बेटियों का बाप से होता है। मैं तुमको इस हालत में नहीं देख सकती आपी। मैं तुम्हारी तरह पात्र नहीं हूं आपी। तो मुझे इस हालत में नहीं देखना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज, अगर तुम मामा अगर तुम इस तरह हिम्मत हारोगी ना तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे तुम्हारी जरूरत है आशी। प्लीज प्लीज रोना बंद करो। ना क्यों आ रहे बेटा? पंखा चला दूं? नहीं अम्मी, बस मुझे जरा ऊपर कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल। छोटा सा काम भी नहीं हो रहा। ये छोटा काम है? ओह बेटा, खाना बाहर है, आके सीमी के लिए ले जाओ। अच्छा आशी प्लीज मेरे दो काम कर दो। हाँ हाँ बोलो। एक तो कंप्यूटर कमरे में ले आओ और दूसरा के टेलीफोन की तार इतनी लंबी कर दो कि यहाँ तक आ जाए। कितने काम करवाती हो आप ही। प्लीज। ओके। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ जी। इसलिए फ़ोन किया था, दो काम थे आपसे। एक तो पूछना था कि कौन कौन लोन देता है, और दूसरी बात यह कि अगर छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, चलें ठीक है जी। ओके, फिर
फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। जी ओके जी, खुदा हाफिज। Very good. I'm very impressed. You're a brave girl. ये सिर्फ इनके विल पावर का कमाल है। अगर ये इस तरह कोशिश करती रही तो हालात और भी बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। देखिए, हमें उनकी सलाहियत और आपकी मेहनतों पे कोई शक नहीं। हमें शक है तो इस बात पर कि मैं सीमी कारोबार चला भी सकेंगी या वो अकेली तो नहीं है। सफदर साहब, हम सब उनके साथ हैं और हम में हौसले की कोई कमी नहीं। देखें, ये जो कारोबार है ना, ये सिर्फ हौसले पे नहीं चलते। इनको चलाने के लिए तजर्बा और सलाहियतों की भी जरूरत होती है। हम लोन्स देते वक्त इस बात पे भी नजर रखते हैं कि हमें रकम की वापसी मुमकिन भी होगी या नहीं। हमारी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि
शुक्रिया सत्य साहब, मुझे आपकी हमदर्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और एक बात मैं आपको याद करवा दूं कि हम अपने मकान को मॉर्गेज करवा के आपसे कर्जा मांग रहे हैं, वो भी सूद पर। आपसे रहम या हमदर्दी की दरख्वास्त नहीं की थी। ये आप बदतमीजी कर रही हैं। आप हैं ही इस काबिल। इसमें मायूस होने वाली क्या बात है, अभी एक ही कंपनी ने मना किया ना, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो हमें लोन दे देंगे। तुम लोग फिक्र क्यों करते हो? अगर मेरे इन बेजान पैरों में जान आ सकती है तो कोई भी नामुमकिन चीज़ ना मुमकिन हो सकती है। और वैसे भी खुद ही सोचो, फैक्ट्री भी मिल गया, उसमें फ़ोन भी लगा हुआ है। पर आप ही, वो चौथी मंजिल पे है, उसमें कोई लिफ्ट भी नहीं है। तो कुछ नहीं होता, उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। जर्मनी की एक कंपनी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, इंशाल्लाह ऑर्डर भी फ़ौरन मिल जाएगा। फिक्र क्यों करते हो तुम लोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सीमी? बिल्कुल ठीक। तो फिर क्या ख्याल है, आप तैयार हैं? जी। गुड, आइए जी। कमाल कर दिया सीमी, अब तुम्हें तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सच्ची कहानी उस बहादुर औरत की है जिसने बहुत से नाउम्मीद दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी। सीमी आज बहुत कामयाब एक्सपोर्टर हैं, उनकी शादी हो चुकी है और वो दो बच्चों की माँ भी हैं। हमने इस ड्रामे में नाम और किरदार बदल दिए हैं, मगर हौसला और हिम्मत वही रखा है जो अपनी मिसाल आप है।